नमस्ते एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और हमने ढेर सारे इयररिंग्स निकाले हैं और बहुत सारे इयररिंग्स हमने डिस्कार्ड कर दिया है, और ये अभी सही कंडीशन है, वही रखे हैं। हम थोड़ा सा ही कलेक्शन बचा है, जब वो पूरे फेंक दिए ना, थोड़ा सा ही कलेक्शन बचा है, लेकिन हमें लगा कि हम आपके साथ शेयर करें। और हमें अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद हमने ऐसा कुछ ये करा, मतलब बहुत दिनों हो गए कि हम इयररिंग्स पहनते थे, ऐसे रखते थे, ऐसे कभी देखे नहीं कितना है, क्या है, कैसे है। ऐसे नहीं कोई ड्रेस ले लेते हो, साड़ी ले लेते हो, उसके ऊपर मैचिंग ले लेते हो, बस हो गया। उतना जब पहनते तभी याद आती है, उसके बाद तो कुछ याद नहीं आती। तो चलो, ये वही बॉक्स है जो हमने रिसेंट में परचेस करा था, लेकिन ये हमारे कोई काम का नहीं। जैसे ये बड़े इयररिंग्स हैं, हम इसके ऊपर नहीं रख पाते हैं, तो देखते हैं हमने इसमें क्या रखा, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर टिकटॉक वाला पिन है, आपको पहले ही बता दिया था हमने, इसका वीडियोज आगे पीछे हो सकता है। और ये देखिए, सिंपल से जो छोटे छोटे कान के होते ना, जो छोटे छोटे जो होते हैं, उसमें हमने लगा के रखा है। सबसे अच्छा तो ये, हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। नीचे में भी पहन लो या कान के जो ऊपर है ना, वो भी पहन लो तो अच्छा लगता है, या कहीं पर भी जैसे आगे पीछे से लगा लो, बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सा। और ये देखिए, ये कितना खूबसूरत है, आपको क्या ही बोले इसे। देखिए, एक बीट में बनाया है, मनी के मनी में बनाया है, बीट जो है वो उसमें बनाया है। और ये देखिए, ये तो बहुत सालों से शायद चल रहे होंगे, हमने बहुत पुरानी पिक्चरों में बहुत ये देखे हैं, लेकिन हमने ये गले का है ना, उसके ऊपर का ये है इयरिंग्स है, इसके साथ ये भी आया था, लेकिन ये एक घूम गया है, पता नहीं कहाँ गया। तो ये महाराष्ट्रन वाला है, जो हर टाइम हम यूज़ करना चाहते हैं, जब भी जो नहीं पातर पहनते हैं या फिर कुछ महाराष्ट्र कोई प्रोग्राम होता है, तो ये पहन लो और उसके ऊपर ये पहन लो, बहुत खूबसूरत सा लगता है। और ये हम कहीं गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे, बहुत खूबसूरत से, लेकिन ख़राब हो गया, लेकिन हम नहीं डिस्कार्ड करना चाहते, हमारा मन भारी हो रहा था इसको डिस्कार्ड करने के लिए इस वजह से। और ये देखिए, ये भी कितनी खूबसूरत है, लेकिन बहुत ख़राब हो गया है। ऐसे ही कभी मिलेगा ना तो हम ज़रूर लेंगे, लेकिन ये ख़राब हो चुका है, डिस्कार्ड करने का हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। पता है ये बिल्कुल सही नहीं है आपका, कोई तो भी देखो ये टूटा हुआ है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो ना, थोड़ा देख समझ के ले लेना। अब हम नहीं चाहते थे, हमें बहुत ऐसे काम पड़े थे कि जिसको हम रिटर्न ये सब नहीं करना चाहते, इसको फेविकॉल लगा के चिपका सकते हैं, इस वजह से अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम होता था तो हम वापस कर देते थे। और ये देखिए, ये सिंपल से है, ये भी जो गले में है ना मंगलसूत्र है ना, उसके ऊपर के हमने पर्सनली कोई परचेस नहीं करा, ये भी एक नेकलेस के ऊपर का है, जो हमेशा सिंपल से नहीं, जो मोती की माला रहती है उसके ऊपर का है, और बहुत बार पहन चुके हैं लेकिन ख़राब हो चुका है। दो बहुत बार पहनने के बाद इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत ख़राब हो चुका है। देखिए ये फिर भी स्टिल हमें पसंद है, इस वजह से हमने रखा है। दूसरा बॉक्स ये है, इसमें भी जो हल्के फुल्के कान के हैं ना, वही रखे हैं, क्योंकि आपको पहले बता दे रहे हैं इतने बड़े बड़े इयररिंग्स इसमें नहीं आ पाएंगे। देखिए ये भी कितनी खूबसूरत है, ये जो ये भी टूटा हुआ है, बाद में हम रिपेयर कर देंगे, लेकिन हाल फिलहाल में अभी रहने देंगे। ये भी जो मंगलसूत्र होता है ना, एडी में बनाया वाला वो है, उसके ऊपर का है, ये सिंगल लिए है और ये काफ़ी चीप प्राइस में मिला है और बहुत अच्छा निकला है। ये जब हम कॉलेज करते थे ना, जिस टाइम पे लिया है, अभी भी अच्छा है, कोई भी पॉलिश नहीं गई है, जैसा है वैसा ही है। और ये भी मंगलसूत्र के ऊपर का है, ये हमें किसी ने गिफ्ट करा है, हैदराबाद में हम कहीं गए थे तो हमें पसंद आया, हम लेना नहीं चाहते लेकिन उन्होंने दे दिया तो हम ले लिए। बहुत अच्छा, अच्छी अच्छी यादें हैं इसके साथ। और ये भी सिंपल सा है, इस पे नहीं आ रहा था, लेकिन ये एक ही बचा था जो कहीं रखने की जगह नहीं थी तो हमने इसमें रख दिया है। और सबसे पहले जब आप सोचोगे ना, जब हमने कान हमारे पास कान के तो सोने का वो बारी होती है ना, बारी ऐसे में सोने का होता है ना, छोटा सा पतला वाला, वो पहना के थे काफ़ी दिनों तक, फिर उसके बाद हमने कोई परचेस करा होगा ना, तो इसका परचेस नहीं करा। देखिए ये जब हमने लिया था ना, एकदम वाइट था, और बहुत सालों के बाद इसका कलर देखिए कैसा हो गया। ये और ये सेकंड परचेसिंग है हमारे, हमने खुद से खरीदा था, हमने किसी मतलब जब लगते ना कॉलेज कॉलेज 11th 12th करते हैं ना, तब तब भी तक हमारे पास संभाल के है, और ये इसका फैशन काफी चला था। तो ये कोई हमारे घर के कोई गए थे तो उन्होंने पॉकेट ही लेकर आए थे, ऐसे में कलर कलर के थे, और पता नहीं पत्थर का है या कुछ का है, लेकिन हमें अच्छा लगता है किसने दिया वाला है, इसलिए हमने इसे डिस्कार्ड नहीं किया है। ये हमने अभी परचेस करा था शायद 1 साल पहले, बहुत पसंद आया था, हम इसे देखे बराबर पसंद आया, इसे हमने बहुत बार पहना है। हाँ, कभी दिखे नहीं वीडियोस में, क्योंकि जिस टाइम पे हम वीडियोस वगैरह नहीं बनाते थे, इस वजह से। ये और ये हमने साथ में परचेस करा था, तो देखिए हमने इसे बीच में से काट दिया, हमें कहीं साड़ी पहननी थी और वो ये जा नहीं रहा था, क्योंकि जो साड़ी का जो ब्लाउज था वो काफ़ी गैदर थे, जिसमें इस वजह से वो ये दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं ना, इस वजह से। तो हमें इसे बीच में से काट दिया, हमें यही पहनना था और हमने बीच में से काट दिया। और देखिए अभी इसमें भी कुछ जुगाड़ करके ये भी सिंपल से पहन सकते हैं ना, अभी देखेंगे, अभी तो डिस्कार्ड करने के लिए रखा है, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तब करेंगे। और ये खूबसूरत है, बहुत पसंद है हमें, और ये वाला तो काफ़ी बार पहना, इससे ज़्यादा ये तो एक ही बार पहना था, लेकिन ये काफ़ी बार पहना है, ये बीट में बनाया है। और दूसरा बीट्स वाला ये है, ये इसे ढूंढने के लिए हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, हालांकि अभी ऑनलाइन जल्दी मिल जाता है बहुत, अभी तो इसका ही ट्रेंड चल रहा है,
वास्तु शांति थी ना उस टाइम पर, हमने परचेस करा था नेट की साड़ी, और पता नहीं हमें कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं था, लेकिन हमें ये था कि नेट की साड़ी पहनेंगे और इसके ऊपर यही इयररिंग्स पहनेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे ना मिले ना तो फिर हम घर पर बना देंगे ऐसे करके, लेकिन हमें मिल गया। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हाँ थोड़ी सी, लेकिन बहरहाल मिल तो गया था और बहुत बार पहना भी है ये काफ़ी। देखिए कितना खूबसूरत सा, आपको ऐसे दिखाने से क्या, हमें ऐसा ही बहुत खूबसूरत सा लग रहा है ये। ये जो आप देख रहे हैं ना पूरे इयररिंग्स, 5 इयररिंग्स हमने हमारी शादी जैसे जम गई थी ना, जैसे टीका वगैरह लगा, ये जैसे हमारी सगाई हो गई थी, जैसे ये हमने सगाई का जब हमारा फाइनल हो गया था, हमारी शादी जुड़ गई थी, हमारे इस इन मतलब जब हमारी एंगेजमेंट हो गई थी तो शगुन का टीका देने के लिए आए थे, तब हमने इसे परचेस करा था। और ये देखिए, ये हमने इतने खूबसूरत से दिए थे, और इसके मतलब इसके जो है ना सरासरी थी जो पीछे से आती थी, सामने में ये वाला ऐसा झुमका था, तो वो बहुत पसंद आता था, लेकिन हमें पता नहीं हमने ले लिया है, क्योंकि कोई नहीं बोलते थे साड़ी पहनेंगे तो ऐसे झुमके अच्छे लगते हैं, तो फिर ये पहनना ही नहीं हुआ। और अभी प्राइस भी याद नहीं, काफ़ी पहले की बात है, और ये ना ये हमें याद है उस जिस टाइम पर ना वो कोई मूवी रिलीज़ हुई थी, तो ऐसे वाली इयररिंग्स बहुत चल रही थी जिस टाइम पर, तो ये शायद 120 रुपीज़ का है, तो हमने लिया था कि साड़ी वगैरह पहनेंगे ना तो उसके लिए काम आएगा, और ये ड्रेस के ऊपर का मैचिंग है। ये तो सिर्फ 80 रुपये में आए, तब तो इयररिंग्स बहुत सस्ते आते थे, पता नहीं अभी बहुत महंगे आते थे। और देखिए कितना खूबसूरत सा है, छोटा सा झुमका नीचे में लगा के रखा है, और ये बहुत बार हमने पहना है, साड़ी का ऊपर का मैचिंग वाला है, ये ब्लिंक हो रहा है ना ये इस वजह से। और दूसरी परचेसिंग शायद ये सबसे थोड़ा बोल्ड हमारे लाइफ में स्टेट होगा, क्योंकि इयररिंग्स पहनते थे लेकिन इतने हेवी पहनेंगे ये कुछ नहीं था जिस टाइम पे हमारी शादी होने की थी, तो उस टाइम पे हम अलग अलग इसमें रहते थे, जीन्स सलवार सूट का तो हमारे लाइफ में कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन बहरहाल कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए इसके बीट्स है ना गिर रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत सा है ना, बहुत पसंद है हमें। और लेकिन ये बहुत पुराना है, इस वजह से यहाँ के जो मनी है ना बीट है, ये देखिए गिर गए हैं, लेकिन हम बाद में चिपका देंगे फेविकॉल से वगैरह, जल्दी से चिपक जाएगा, लेकिन ये मिलना ज़रूरी है, बहुत सारे हैं, देखिए ओ गिर गया। और ये छठी है, और ये देखिए कितना खूबसूरत सा है ना, बहुत ही प्यारा है, थोड़ा सा ब्लिंक देखिए कितना खूबसूरत सा है, हमें बहुत पसंद आया ये, जब भी हमने परचेस करा था ना तब भी बहुत खूबसूरत सा लग रहा था, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, देखिए ये दिख नहीं रहा क्योंकि ये ब्लिंक कर रहा है इस वजह से। सिंपल से मोती लगा के है और बहुत खूबसूरत सा, यहाँ पे भी थोड़ा सा मोती भी टूट गया यार, हमें जो भी अच्छा लगता है ऐसे ख़राब होता है, लेकिन रिपेयर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसी के लिए तो हमने निकाला है ना, तो वही बात होती है जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो डिस्कार्ड करना होता है, या जो चीज़ें ख़राब हो रही है लेकिन पसंद है उसे सही से रखना होता है। देखिए हमने ये ना पन्नी लेकर आए थे, पता नहीं कोई ग्राम के हिसाब से मिला था, और इसे में हम ऐसे पैक करके रख रहे हैं ताकि कोई भी अब और डैमेज ना हो, क्योंकि अभी अगर डैमेज होता है तो फिर ये तो पूरे फेंकने में जाएंगे, और हम नहीं चाहते, बहुत महंगे थे जिस टाइम पर, और उस टाइम पर तो हमें पॉकेट मनी भी तो नहीं मिलती थी, लेकिन हमारी यादें तो उसी के साथ है, और ये शादी के बाद का है। और इससे पता है ये जो चोकर वाला ये है ना नेकलेस है ना, उसके ऊपर के इयररिंग्स है, लेकिन हम इयररिंग्स को अलग रखते हैं और जो नेकलेस है उसको अलग रखते हैं ना, इस वजह से यहाँ पर है, तो इसे भी हमने कवर करके रखा है। अब आते हैं हम बड़े इयररिंग्स पे, देखिए ये कान का कितना बड़ा है, और ये इसका जो साड़ी है ये भी काफ़ी हेवी है, पता नहीं हमने किस सोच और कितने सेंस से लिया था, हमें लगता था कि वो साड़ी इतनी हेवी आपको ज़रूर ये करेंगे, जब वार्डरोब क्लीनिंग आएगा ना तब आपको ज़रूर शेयर करेंगे, और हाल फिलहाल में आएगा ही वो आगे पीछे, और लेकिन बहुत खूबसूरत सा आप इसे ही पहन लो, गले में कोई भी डालना नहीं है, माथे पर कुछ नहीं ना कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ इसे ही यही हाईलाइट है, और आपका पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, आप यकीन मानिएगा बहुत खूबसूरत सा है। और जब ये झुमके पहनने के बाद कोई भी तामझाम करने की एक्चुअली सच में ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा जो जुड़ा होता है वो बना लीजिएगा और बस हो गया, दैट्स इट। और ये झुमका ऑल टाइम हमारा फेवरेट है, ऑल टाइम आप कभी भी बोलेंगे ना कि इसे पहन के चलो बस हो गया, हमें ये बहुत पसंद है, और ऐसे ही और हम बड़ा देखना चाहते हैं, लेकिन अभी हमें इसे मिला नहीं, तब हम ज़रूर ऑर्डर करेंगे, बहुत खूबसूरत सा है। और ये हमने लोकल शॉप से लिया था, सिर्फ 50 रुपये में लिया था, मेला था या कुछ था पता नहीं, उस टाइम पर हमने इसे लिया था। दूसरा झुमका ये है जो काफ़ी खूबसूरत सा है, और ये हमने साड़ी का मैचिंग है ना उसके लिए लिया था, और बहुत खूबसूरत सा है, देखी पा रहे होंगे आप, और देखिए इसमें काले मनी का जो काम करा है ना वही खूबसूरत सा है, वही हमें बहुत पसंद आया, और बहुत बार हमने इसे पहन लिया है।
और एक ये झुमका है, ये हमें एक ड्रेस के ऊपर लिया था, लेकिन पता है ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना इसमें अच्छा दिख रहा है ना, उसमें उतना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन हमने पहना भी नहीं, हमने लेकर रखा है ये वाला। कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है, हम ले तो लेते हैं कि अच्छा दिख रहा है, उसमें मैच हो जाएगा, लेकिन हम पहन नहीं पाते। इसमें एक और बीट लगा के था जो नीचे में झूलता था, लेकिन वो भी ख़राब हो गया था, पुराना हो गया ना एक्चुअली इस वजह से। और ये भी हमने एक साड़ी के ऊपर लिया था, ये सिंगल सिंगल लिए थे जो लोकल मार्केट में होता है ना, उसमें लिए थे। देखिए ये भी, यहाँ का स्टोन पता नहीं कहाँ गिर गया, अभी तो कुछ लगा ही नहीं सकते और दिखता भी नहीं, बोलना ये हम छुपा लेते हैं बालों में या कुछ कर्व वगैरह करके, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, किसी का ध्यान तो ज़रूर जाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत सा है, बहुत मतलब बहुत खूबसूरत सा है, अभी भी अच्छा है ये। हालांकि बहुत दिन हो गए इसे, एग्जैक्ट याद नहीं कितने दिन हुए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा है। ये झुमका है, ये भी सिंपल सा है और हमने ऐसे ही ले लिया था कि कहीं पर भी ना छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो उसमें अच्छा लगता है ना, घर पर पहन लो, दिन में पहन लो। उस टाइम पे लिया था जिस टाइम पे हल्दी जो वगैरह होता है ना, उस टाइम पे लिया था। ये अभी तक अच्छा है और बहुत बार हमने इसे पहना है, और जब भी पहनते हैं तभी एक थोड़ा ट्रेडिशनल ट्रेडिशन जैसे लुक हो जाता है। ये हमारे शादी का जो नेकलेस लिया था ना साड़ी के ऊपर, उसके ऊपर का है, और ये अच्छा है, ये अच्छे कंडीशन में है, हम बहुत बार पहने हैं, लेकिन उसका जो नेकलेस है ना वो ख़राब हो चुका है, लेकिन हमने याद के तौर पर रखा है। और ये भी बहुत खूबसूरत सा है, हमें बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ये हमें। एक ये है जो ना नेकलेस आते हैं, ये उसके ऊपर का, ये हमने कोई अलग से परचेस नहीं करा था, लेकिन बहुत खूबसूरत सा है। और कहीं पर कोई भी सलवार सूट पहन लो, लॉन्ग अनारकली पहन लो, साड़ी पहन लो, सब में चला जाता है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब ये ख़राब होने की कगार पर है, लेकिन ना स्टिल हमें पसंद है, इसलिए हमने इसे रखा है। पूरे जो हमारे झुमके हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और वो झुमके हमने ख़राब हो गए तो इसलिए हमने डिस्कार्ड भी कर दिया है। और ये भी एक नेकलेस के ऊपर का है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन हमने इसे 2 ही बार पहना है। ये भी देखिए कितने खूबसूरत से हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ना ऐसे इयररिंग्स। ये अभी गोल्डन में हो गया, ये सिल्वर में, सिल्वर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, थोड़े से ही 2 या 4 ही होंगे, वो भी हमने अभी रिसेंट में परचेस करा था, ये काफ़ी पुराना है। और देखिए ये अभी ख़राब हो गया, पता नहीं किसका दाग लगा, लेकिन ये ख़राब हो गया, शायद हमने हल्दी में कुछ पहना था उस जिस टाइम पे ये ख़राब हुआ। लेकिन देखते हैं, अगर अगर क्लीन होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डिस्कार्ड करने के अलावा कोई तो ऑप्शन नहीं बचता ना। लेकिन बहुत खूबसूरत सा है और अभी भी स्टिल बहुत ही अच्छा लगता है, ये हमें बहुत पसंद है। एक ये हमने ऑनलाइन परचेस करा था, कहीं गरबा या कुछ था जिस टाइम पे हमें ये चाहिए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे ना उस ड्रेस के साथ, यही हमें अच्छा लगा। लेकिन काफ़ी हेवी है, अगर आप 2-3 घंटे पहनना चाहते हो तो फिर नहीं पहन पाते, बहुत हेवी है, लेकिन बहुत खूबसूरत सा भी लगता है। और एक ये सिंपल सा है, झुमका ही है देखिए, और ऊपर में ये थोड़ा सा ये लगा के रखा है, लेकिन बहुत प्यारा लगता है। हम कितने बार बोल रहे हैं ना कि प्यारा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और ये है सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में, जो भी राधा कृष्ण से कुछ जुड़ी बातें हो जाती तो हम अलग ही इस पे चले जाते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ये बहुत बार हमने पहना है, जब भी हमें लगता है कि नहीं थोड़ा सा कहीं जाना होता है, कुछ होता है, तो हम ये पहन लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन पता है ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है ना, ये है इसमें ना थोड़े से झुमके दिए हैं और इसमें बाद बहुत सारे झुमके दिए हैं, तो ये हमें तब नहीं पता लगा, किसी ने हमें बताया जब हम पहने थे तो उन्होंने बता दिया था, लेकिन जिस टाइम पे ये तो रिटर्न का मतलब डेट चला गया था, लेकिन कर लेते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है, किसी और को तो नहीं पता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। और एक ये है, इसके नीचे ना बहुत बड़े बड़े झुमके थे, पता नहीं कहीं हम कहीं गए थे तो पता नहीं बैग में रखे तो एक टूट गया, देखिए आप देख सकते होंगे, ये एक टूट गया तो फिर हमने दूसरा भी तोड़ दिया, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता था ना, वो फिर जुगाड़ तो बना ही नहीं उसका। लेकिन ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, जब साड़ीज़ वगैरह पहनते हैं ना उसके ऊपर अच्छा लगता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि थोड़ा मतलब अगर झुमका होता तो और भी बहुत, सच में इस झुमके की वजह से हमने इसे लिया था। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए एक पीकॉक स्टाइल में है, ये हमने सोनसाफा या कुछ खरीदा था तो उसके ऊपर फ्री मिले थे, हमने पर्सनली नहीं लिए थे, उन्होंने कोई चॉइस दिए थे उसके ऊपर हमने लिया था। बहुत ही प्यारा है ये, और काफ़ी बार पहन चुके हैं, बहुत बार, अब हम बोर भी हो गए थे। और ये पता है ये हम साउथ या कहीं गए थे तो उस टाइम पे ये मिले थे सिर्फ 10 रुपये में, देखिए कितने खूबसूरत से हैं। और ये शेल होता है उससे बनाए हैं, और एक ये पिकॉक फेदर का प्रिंट है, कोई ये नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। और एक ये आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा,
देखिए हमने ऐसे रखा है, देखिए ये वाला तो, ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ये तो एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं ना, और ये जो है ना ये ऐसे कंटेनर आते हैं जहाँ पर सेग्रीगेशन करके रहते हैं, एक कंपाउंड बना के रहते हैं। कुछ ऐसे बॉक्स मिलते हैं जो सेग्रीगेशन पार्टीशन करके रखते हैं, जहाँ पर आप ऐसे सामान रख सकते हो, और ये तो हमने हाल ही में परचेस करा है, और ये ऐसे भी रख सकते हो। अब देखते हैं जगह के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे जो ड्रेसिंग एरिया है ना उसमें जगह काफ़ी कमी, इस वजह से तो हमें ये सब कुछ करना पड़ा, फंक्शनैलिटी को बहुत ढूंढना पड़ा, बहुत सर्च करना पड़ा, तब जाके तो ये सब हुआ। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।